हम खुदा की कसम सर वहां खुश थे, इस जरदारी साहब की मोहब्बत में आ गए। एमक्यूएम के बाद बाप ने भी हुकूमत को आंखें दिखाना शुरू कर दी। तब्दीली का मेरे ख्याल मकसद जो था वो कुछ और था, मगर अब कुछ और नजर आ रहा है। कौमी असेंबली में धुआंधार तकरीर के बाद वजीर आजम साहब को असलम भुतानी और खालिद मक्सी की याद आ ही गई, दोनों को मुलाकात के लिए बुला लिया। बलूचिस्तान अवामी पार्टी के रहनुमा खालिद मक्सी और आजाद रुकन असलम भुतानी ने वजीर आजम से मुलाकात में शिकायत के ढेर लगा दिए। मुलाकात के दौरान असलम भुतानी ने शहबाज शरीफ से शिकवा किया कि आप मिलना गवारा नहीं करते, इसलिए असेंबली में बात करना पड़ी। आसिफ जरदारी की मोहब्बत में आपके साथ आए, मगर मोहब्बत महंगी पड़ रही है, जाति कुछ नहीं, हल्के के लिए फंड मांगते हैं। मैं नहीं बोलते हैं, लेकिन हम सर नहीं करते। उस वक्त हम प्यारे भी बड़े लगते थे, चक्कर भी हमारे पास बड़े लगते थे, अब बात करते हैं हमारी शक्ल भी अच्छी नहीं लगती। खालिद मक्सी ने कहा कि गैर मशरूत तौर पर आपके साथ हैं, मगर नजरअंदाज ना करें, मशावरत के अमल से बाहर ना रखें, हमें अहम फैसलों का पता ही नहीं होता। बलूचिस्तान अवामी पार्टी अपने हुकूक पर सौदेबाजी नहीं करेगी। वजीर आजम इत्तेहादियों के किसी गिले शिकवे का खुलकर जवाब ना दे सके और खालिद मक्सी से कहा कि आइंदा मुझे बराह रास्त कॉल या मैसेज करें, शिकायत नहीं होगी, मोहब्बत कायम रहनी चाहिए, ताखिर से मिलने पर माफ़ी चाहता हूँ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।